नाम धुनी जो एक आपको अन्य समय लोग के शस्त्र पकड़ा दिया गया, शस्त्र को देख करके ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रावण के हथियार को और रावण के फौज को देख करके देवता डर जाते थे, लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आते थे। ऐसे ये जय गुरुदेव नाम है अस्त्र। आप इस अस्त्र को धारण किया रहोगे, इस अस्त्र को लोगों को बता दोगे, दे दोगे, तो उनकी भी रक्षा होगी और आपकी भी रक्षा होगी। यह भी हमको मालूम है, कितने दिनों से कहा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, लेकिन कितने घरों में नाम धुनी हो रही है, आप ये समझो कितने घरों में लोग जान भजन बैठ रहे हैं, ये भी मालूम है। चलो ठीक है, माफ़ी का वक्त होता है, माफ़ी का समय होता है, और समय जब निकल जाता है तब कोई माफ़ी नहीं होती है। जब तक ये शरीर है, माफ़ी इसी शरीर से होती है, क्योंकि गलती इंसान इसी शरीर से करता है और माफ़ी भी इसी शरीर से मांगी जाती है। इसी से जो बुरे कर्म बन जाते हैं वो अच्छे कर्म बना करके काटे जाते हैं, लेकिन शरीर जब छूट जाता है और वहाँ पर जब जीव पेश किया जाता है कर्म के अनुसार, तो यमराज धर्मराज जिनको कहते हैं वो माफ़ करने वाले नहीं होते हैं। कितना भी कोई रोवे चिल्लाए छटपटाए, लेकिन माफ़ी नहीं होती है, बल्कि डांट अलग से लगाते हैं। अब तुम माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ी का वक्त तो तुम्हारे पास बहुत था, जब तुम मनुष्य शरीर में थे, अपने धन बल के घमंड में रह गए, मान प्रतिष्ठा पौरुष के घमंड में रह गए, अपनी विद्वता योग्यता के घमंड में रह गए, तो उस वक्त पर तुमने किसी की बात सुना नहीं, सत्संग में तुम गए नहीं, उस वक्त पर तुम संतों के पास गए नहीं, समर्थ गुरु की तुमने तलाश नहीं किया, उनके बताए रास्ते पर चले नहीं, तो अब तो तुमको माफ़ी नहीं होगी, अब तो तुमको सजा भोगनी ही पड़ेगी, तो फिर नरकों में जाना ही जाना पड़ता है। इसलिए आपको चेतने की सब लोगों को ज़रूरत है कि भाई अब दोबारा इस मनुष्य शरीर में आना न पड़े और नरकों में न जाना पड़े, इसी जन्म में अपना काम बन जाए। ये जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है जो यहाँ पर उतारी गई है, ये उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाए, हम मुक्त हो जाए, हमारी जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का मतलब यही होता है कि जहाँ से फिर वापस ना आना हो, जैसे मुर्दा को शमशान घाट पर ले जाते हैं, यहाँ मुक्ति धाम अनि कहलाता है, तो वहाँ से मुर्दा को कोई वापस नहीं लाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा अपने घर अपने वतन मालिक के पास जब पहुँचती है, तब इसको मुक्ति मिलती है और वापस ना आना पड़े, क्योंकि लेना देना रहता है कर्मों का, एक दूसरे के साथ लेने देने के लिए ही परिवार में जुड़ते हैं, पिछले जन्मों का लेना देना होता है, इससे भी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि कर्मों का बंधन यही खत्म हो जाता है। शरीर छूटने के बाद ही अनुसंभव के कर्मों का बंधन खत्म होता है, ये जो लेना देना परिवार का एक दूसरे का है ये खत्म हो जाता है, दोबारा ना आना पड़े, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। ऐसा काम इस जीवन में हो जाए। जैसा मैंने बताया कि ये अस्त्र है जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, और जय गुरुदेव नाम इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए। कमरा बंद रहे, बाहर न निकलो, लेकिन खिड़की खुली रहे, अंदर जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि हो वो पड़ोसी लोगों के पास भी पहुँचे, कि जिससे उन्ना चाहते हुए भी उनको याद हो जाए। आप ये समझो बार बार जब कोई चीज़ कान में पड़ती है तो वो चीज़ याद हो जाती है। छोटे बच्चे होते कविता याद कर लेते, प्रार्थना याद कर लेते हैं, कोई प्रार्थना बोलता है तो वो उनको याद हो जाता है, पढ़ नहीं पाते किताब में कहाँ लिखा है, गिनती लिख नहीं पाते हैं, लेकिन गिनती और पहाड़ा पहले याद हो जाता है, सुनते सुनते याद हो जाता है। ऐसे लोगों को सुनते सुनते याद हो जाए,
और लोग करने लग जाएं, बोलने लग जाएं, जब बोलने लग जाएंगे मुसीबत में बोलेंगे तो मदद तो होगी ही होगी। जगाया हुआ नाम है, गुरु महाराज के द्वारा जगाया जाए गुरुदेव नाम है। नाम को महापुरुष कैसे जगाते हैं आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस परमात्म शक्ति से जुड़े हुए हो, बराबर वही आपको चला रहे हैं। वो अगर तार टूट जाए तो जीवात्मा इसमें रह ही नहीं सकती है, उसी से शरीर के अंदर जीवित रहती है। ऐसे ही नाम को जोड़ देते हैं उस मालिक से। तो जब देखो इतिहास बता रहा है, जब जिस तरह से पुकारा जिसने, तो उस समय के जो महापुरुष थे वो मददगार हुए। आप ये समझो पिछले दिनों में लोगों ने परीक्षा लिया जय गुरुदेव नाम की, और मुसीबत के समय जो जहाँ भी बोला उसकी रक्षा हुई, मदद हुई। जगाने वाले हमारे गुरु महाराज का लोगों ने दर्शन भी किया, बहुत से लोगों ने बताया भी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए और यमदूतों से उन्होंने बचा लिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इसी तरह की नाम ध्वनि प्रेम में सब लोगों को बोलने के लिए सिखा दो। जब ये बोलने लगेंगे आदत बन जाएगी, और तकलीफ में इससे जब आराम मिलेगा तब लोगों को विश्वास हो जाएगा।